सो गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और आज के इसी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ रैपिडो में काम करने के लिए, जो कि मैं बहुत दिन से रैपिडो में काम नहीं कर पा रहा हूँ और ना तो कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पा रहा था और आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो भी देखने को नहीं मिल रहा था और चंडीगढ़ में मौसम भी थोड़ा सही नहीं था, तो ये भी रीज़न था कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और जैसे मौसम सही हुआ तो हम निकले थे हिमाचल के ट्रिप पर, सोचा था हिमाचल में जाकर ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि वहाँ रास्ता बंद था तो हमें वापस आना पड़ा। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो आज मैं रैपिडो में काम करूँगा और देखता हूँ रैपिडो में काम करके कितना अर्निंग होता है और आज का दिन कैसा रहता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक में पेट्रोल डलवाने, 29 सेक्टर का इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है तो वहीं से डलवाता हूँ। और मेरे बाइक में अभी है थोड़ा सा पेट्रोल, लेकिन और डलवा लूँगा तो टैंकी फुल हो जाएगा, फिर मुझे बार बार डलवाना नहीं पड़ेगा और कल भी चल जाएगा। अगर कल मैं काम करूँगा तो कल भी पूरा दिन चल जाएगा और आज भी पूरा दिन चल जाएगा, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पेट्रोल डलवा कर टैंकी फुल कर लेते हैं और उसके बाद मैं रैपिडो कैप्टन ऐप को ऑन ड्यूटी कर लूँगा। अभी मैं ऑफ ड्यूटी किया हूँ क्योंकि मैं पहले पेट्रोल डलवा लूँगा यहाँ से, उसके बाद ऑन ड्यूटी करूँगा। ठीक है, तो मैं पेट्रोल पम्प पहुँच ही गया हूँ यहाँ पर, 498 8। चार सौ से नहीं, मतलब 498 500 रुपये का। कोई बात नहीं, डाल दो आप जितने का भी। हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया और मेरे बाइक में पूरा फुल हो गया पेट्रोल, तो दो दिन चल जाएगा। तो यहाँ से मैं रैपिडो कैप्टन ऐप को ओपन करता हूँ और ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। तो रैपिडो कैप्टन में ऑन ड्यूटी हूँ। ठीक है, तो अब मुझे कभी भी बुकिंग आ सकती है, तो देखते हैं आज का पहला राइड मुझे कब मिलता है। ठीक है, और आज का दिन कैसा रहता है। तो गाइस लॉग इन करते ही एक मिनट के बाद मुझे आज का पहला राइड मिल गया। ठीक है, तो चल के पिकअप करते हैं। ये रेलवे स्टेशन से है और इसको 3 किलोमीटर पिकअप करना है। तो यार 3 किलोमीटर थोड़ा सा तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या करें, चलो कर लेते हैं पिकअप। पहला राइड है आज का। तो और मैं अपने मर्ज़ी से ना रैपिडो में कोई सा भी ऑर्डर नहीं कैंसिल करता हूँ, ज़्यादातर मैं कस्टमर से बोल के ही करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपने मर्ज़ी से कैंसिल कर दूँगा ना तो रैपिडो का कुछ पता नहीं है, कभी भी पेनल्टी लगा देगा और आईडी भी सस्पेंड कर देगा। तो रैपिडो में ऑर्डर कैंसिल करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, सोच समझ के करना पड़ता है। कई बार तो मैं कर देता हूँ, कई बार प्रॉब्लम हो जाता है ना तो करना पड़ता है कैंसिल, तो क्या करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करता हूँ मैं रैपिडो में कैंसिल। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ हो? मैं गेट यहाँ खड़ा था, एग्जिट पे गेट समझ लो बाहर। ठीक है, मैं इलेंटी मॉल के पास हूँ, 5-7 मिनट में आ जाऊँगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे देख लो नाका लगा हुआ है और इसके पीछे भी पुलिस खड़ी है और यहाँ भी है। तो आप लोग कमेंट भी करते हो कि चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी चलने देता है या नहीं, पुलिस चलान तो नहीं करती है। और मैं पुलिस के सामने से गुजरता ही रहता हूँ क्योंकि भाई चंडीगढ़ में तो हर जगह बैरिकेड लगे होते हैं, नाका लगे होते हैं। ठीक है, तो वहीं से सामने से गुजरना पड़ता है, तो मुझे तो कभी नहीं रोका और मेरे सामने बहुत सारे लोग चलाते भी हैं, उन लोगों को भी मैं नहीं देखता हूँ रोकते हुए। अगर ये बिल्कुल बैन होता चंडीगढ़ में तो भाई बिल्कुल रोकता और चलने नहीं देता। और यहाँ से रास्ता है बंद क्योंकि बारिश हुआ था ना, तो आगे पानी भरा हुआ है। तो मैं 3 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर रास्ता बंद है, तो पता नहीं यार अब कहाँ से जाऊँ, और दूसरे रास्ते से जाऊँगा तो लेट हो जाएगा, तब तक कस्टमर ऑर्डर भी कैंसिल कर देगा, तो समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से जाऊँ। हाँ हाँ बंद है, मुझे भी दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप इनको ड्रॉप करना है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा जी, लीजिए हेलमेट, हाँ सामान ले लीजिए आप। लेकिन ये इधर से है क्या रास्ता, मुझे खुद नहीं पता। हाँ आगे से इधर ना, हाँ चलिए ठीक है ठीक, बैग मुझे आगे रखना पड़ेगा।
हाँ हाँ बंद है बंद है बंद है बंद है सर, एक मिनट उतरेंगे बस। क्या होगा ना कि मैं इस बैग को टैंकी पे चिपका लूँगा, फिर हमेशा के लिए टेंशन ख़त्म हो जाएगा। बैठो सर। जब से बारिश हुई ना तब से इधर का रास्ता बंद करके रखा हुआ, आगे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ इसीलिए। यहाँ से आगे से मतलब जो मेन रोड है ना वहाँ से राइट लेना पड़ेगा, तब हम दूसरे रोड से आएंगे। और हम इधर से भी जा सकते हैं लेकिन काफ़ी दूर पड़ेगा, लंबा पड़ेगा इधर से रास्ता। ये भाई रेलवे स्टेशन के लिए किधर से जाएंगे? इधर से नहीं जा सकते, इधर से बता दो यार प्लीज। और सीधे से राइट ले लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। ये रेलवे स्टेशन यहाँ से है क्या? किधर? इधर से भी बंद है क्या? ओहो चलो हलूम आदर से ही जाना पड़ेगा। A few moments later. बेटिंग पहले डाल दिया है बाद में। बेटिंग किसने? मैंने। हाँ वो यहाँ से ना बंद था रोड क्योंकि बारिश हुई थी ना, इसी वजह से मुझे दूसरे रास्ता से आना पड़ा। लो लगा लो। हाँ ये टैंक बैग है। हाँ मैं यहाँ तक आ गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ लेकिन वहाँ पे बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है ना, अब क्या करूँ, फिर मुझे वहाँ से हल्लू माजरा होके आना पड़ा। आप कहाँ पर जाओगे? पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफिस कहाँ? चंडीगढ़ वाला? हाँ आरपीओ ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस है 34 में। अच्छा 34 वाला। अच्छा अच्छा हाँ, एक फेज टू में भी है इधर राम दरबार, तभी मैं पूछा था। लोकेशन उधर का दिखा रहा, उस कोने में होगा वो जो ब्लू वाला बोर्ड लगा हुआ ना, मुझे लग रहा वही है शायद पासपोर्ट का, है ना? पेमेंट ऑनलाइन कर रहे थे क्या आप? हाँ कर दो क्योंकि 2 मिनट टाइम मांग रहा है यहाँ से, इससे अच्छा हाँ आप वहाँ से ऑनलाइन करेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक थैंक यू। बस स्टैंड पास पड़ेगा। कौन सा? सतारा? हाँ 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 शायद दोनों बराबर ही पड़ेगा मुझे लगता है। तो गाइज अभी मैंने एक राइड कंप्लीट कर दिया यहाँ पर और यहीं से मुझे दूसरा राइड मिल गया, तो चलते हैं आज का दूसरा राइड भी पिकअप करते हैं। और आज का पहला राइड में थोड़ा सा लेट हो गया और इस राइड का पेमेंट मैंने देखा नहीं कि मुझे कितना मिला। कस्टमर ने ऑनलाइन किया था शायद 67 रुपीज़ किया था और ये राइड 8 किलोमीटर का था, तो मैं चेक करने ही वाला था तभी मेरे पास दूसरा बुकिंग आ गया, तो उसी को मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगा ही बाद में कि मैंने कितना अर्निंग किया, ठीक है? और ये वाली राइड का मुझे पता नहीं कि इसको ड्रॉप कहाँ करना है, मैंने उस टाइम ध्यान से देखा नहीं था जब बुकिंग आया था, उस टाइम मैंने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था जल्दी से। ओह भाई ये कार वाला एकदम से ब्रेक मार दिया था, बच गया नहीं तो पीछे से ठूक जाता। 2 1 1 अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं लगाना, लगा लेते डबल हेलमेट डबल कैसे लगाओगे? अच्छा कहाँ जाओगे? अच्छा हाँ ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ तो अभी मैंने दूसरा राइड को पिकअप कर लिया है, ठीक है? और ये भी 8 किलोमीटर का है और इसको नया गांव जाना है, तो इस राइड को कंप्लीट करूँगा ना तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिला, ठीक है? और कस्टमर का बिल कितना आता है, कंपनी का कमीशन कितना होता है, और मैंने तो आपको बता ही दिया ये 8 किलोमीटर का राइड है, ठीक है? तो चलते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं जल्दी से, कम्प्लीट करते हैं इस राइड को। हाँ हाँ ठीक है थैंक यू। रेटिंग कर देना। क्या था राहुल ब्रो आगे? BR04। हाँ हाँ थैंक यू।
तो अभी मैंने दूसरा राइड कंप्लीट किया, तो अभी तक मैंने दो राइड कंप्लीट कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 8 किलोमीटर का है, तो 8 किलोमीटर का मुझे 61 रुपीज़ मिले और कस्टमर का बिल 81 रुपीज़ आया था। तो मुझे तो मतलब 61 ही मिले और बाकी पैसा मेरे वॉलेट से रैप्टो ने काट लिया, ठीक है। तो 8 किलोमीटर का मुझे 61 रुपये मिला। तो देखते हैं, अभी मैं हूँ नया गांव में, यहाँ का प्रॉपर लोकेशन भी नहीं मिलता रहता है जल्दी, मतलब बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ से मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या पता यहाँ से राइड आएगा तो आएगा, नहीं तो मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा चंडीगढ़ की तरफ। और आज मैं सिर्फ रैपिडो के साथ ही काम कर रहा हूँ और साथ में ओला या फिर ऊबर नहीं ऑन किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आज सिर्फ रैपिडो में ही काम करूँगा। और जितना घंटे भी काम करूँगा मैं आपको अर्निंग दिखाऊँगा कि कितना घंटा काम करके कितना अर्निंग होता है और मेरा बाइक कितना किलोमीटर चलती है और पेट्रोल कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो अभी जाते जाते मुझे रास्ते में राइड मिल गया और ये है 24 सेक्टर, इसको ड्रॉप करना है और पिकअप कहाँ से करना है मैंने उतना ध्यान से देखा नहीं। 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है पिकअप करने का, तो चल के करते हैं इसको पिकअप। और ये राइड ना नया गाँव से ही पिकअप करना है इसको। हुए सर, ऑनलाइन करेंगे ना, इस पे कर दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैंने इस राइड को यहाँ पर कंप्लीट किया और मुझे यहीं से साथ के साथ दूसरा राइड मिल गया, तो उसी को मैं अभी पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। और भाई अभी तो बैक टू बैक रैपिडो में ऑर्डर मिल रहा है, जैसे कि आप अभी देख ही सकते हो, जैसे मैं राइड कंप्लीट करता हूँ और साथ के साथ मुझे ऑर्डर राइड मिल जाती है, ज़्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ रहा अभी तो। तो अभी तक तो ठीक ठाक बुकिंग मिल रही है और बाकी बाद में देखते हैं कि यार बाद में क्या होता है। 1 2 5 3 लीजिए मैम। हाँ पहन लो, चलान कर देते नहीं तो। बैठ जाइए। हाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है मैम। जी रेटिंग दे देना। तो गाइज मैंने अभी मैडम को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इस राइड को करते हैं यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो मैडम ने बोला कि ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे ऑनलाइन शो कर रहा है। तो मैंने इस राइड को कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट राइड के लिए मैं रेडी हो गया और मैं हूँ अभी PGI हॉस्पिटल में, ठीक है। हेलो, हाँ जी भैया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो शिव मंदिर है ना उसी के बाहर खड़ा हूँ मैं। पप्पू किराना स्टोर, यानी कि मैं शिव मंदिर से सीधा आ गया हूँ क्या? हाँ शिव मंदिर, ये हाँ शिव मंदिर की बैक साइड पे गली पड़ती है ना, वो चमन कॉलोनी शुरू हो जाता है। OTP 7 मिनट। बैठो सर। अच्छा ठीक है आंटी, बताऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। किराया बढ़ा दिया था तो इनके किराएदार भाग गए। हाँ अभी इतना ज़्यादा कि अपना चला जाएगा तो हाँ एकदम से बढ़ाएगा तो कोई भी चले जाएगा। वो अभी रास्ता दिखा रहा था ना, उस रास्ते से मैं आया हूँ कई बार, मतलब हाँ हाँ उस रास्ते से ना, इस कॉलोनी में कई बार मैं आता जाता रहता हूँ, बुकिंग आती है, राइड आती है, तो बहुत बेकार रास्ता उधर का। वो रास्ता बहुत ही, अभी आपको जब मैं लेने के लिए आया था तो उधर से ही बता रहा था, लेकिन मैं समझ गया इधर से ख़राब रोड है। हाँ 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 ये सीधी रोड है, ये मंदिर आता है उसकी
लेफ्ट साइड जो ये गलियां हैं, गलियां एक यहां पे मार्केट है हां रोड पे और एक इस रोड पे। हां जी पूरी चमन कॉलोनी है बैक साइड। अच्छा ये धनास में पड़ता है ना सारा एरिया? धनास धनास। पेमेंट कैसे करेंगे सर आप गूगल पे? कैश कर देते हैं। कितना हुआ? 76। 76 जी जी। थैंक यू सर। रेटिंग कर देना, रेटिंग कर देना। जी जी। तो मैं हूँ अभी 43 के बस स्टैंड के पास, ठीक है। तो अभी अभी मैंने यहीं पे राइड कंप्लीट किया, और अभी जो मैंने इस राइड को कंप्लीट किया ना, तो ये सर बोल भी रहे थे कि मतलब 43 बस स्टैंड ले जाओगे थोड़ा पीछे छोड़ दोगे। तो मैंने पूछा कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे पास एक बुकिंग आ गया हुआ है तो उसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। तो उन्होंने बोला कि मैं कभी भी राइड बुक करता हूँ तो जो भी राइडर होते हैं वो बोलते हैं कि 43 बस स्टैंड नहीं ले जा पाऊँगा, वहाँ पर चालान वगैरह करते हैं। तो मतलब इसने भी मुझे यही बता रहा था चालान वगैरह के लिए। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको 43 बस स्टैंड ही ड्रॉप करूँगा। हाँ मैम। भैया मैं वहीं पर खड़ा हूँ। हाँ हाँ क्या बोल रहे थे आप? हाँ जी। आपका नहीं रैपिडो से बुकिंग? हाँ जी। 8924। हाँ जी जी। ये 3665 गलत है। हाँ ठीक है। हाँ जी बैठ जाइए। हाँ नहीं जाओगे? बैठ जाइए। पहले हेलमेट लगा लीजिए है ना। हाँ कहाँ जाओगे वैसे आप? दिक्कत हो जाएगा ना बिना हेलमेट का, चलान कर देंगे, लगा ही लेते तो सही था। हाफ है, हाफ हेलमेट है इसीलिए मैंने हाफ लिया। बीच में नहीं आ पाएगा क्या? हाँ आराम से चलना पड़ेगा। देख कर बता देता हूँ। हाँ जी जी। जी थैंक यू। तो गाइज अभी टाइम शाम के 5 बजने वाला है और अभी मैं ड्यूटी ऑफ कर दिया हूँ। तो मैं अब आपको अर्निंग दिखाऊंगा कि आज मैंने कितना अर्निंग किया, ठीक है। तो सुबह में मैंने 8 बजे के आसपास लॉगिन किया था और अभी 5 बज गया है, तो लगभग मुझे 9 घंटा हो गया काम करते हुए। और 9 घंटे में मैंने 1074 रुपया अर्निंग किया 1074। और आज मेरी बाइक चली है 142 किलोमीटर, 142 किलोमीटर चला है। और मेरा बाइक 50 किलोमीटर के आसपास एवरेज देता है, तो लगभग 3 लीटर तो मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। तो 3 लीटर पेट्रोल खर्चा हो गया तो चंडीगढ़ में 103 रुपये है, तो 100 रुपया मान लो, तो 300 रुपये का तो मेरा पेट्रोल खर्चा हो गया। तो 1074 में आप 300 रुपया माइनस कर देंगे तो 774 रुपया हो गया, ठीक है, 750 रुपया मान लो। तो आज मैंने 9 घंटे काम करके पेट्रोल निकालने के बाद 750 रुपया अर्निंग किया, जो कि ये कोई कम नहीं है, ठीक है। इतना अर्निंग हो गया 9 घंटे में, अगर 750 रुपया हो गया तो कोई मतलब उतना बुरा भी नहीं है। और बाकी बाइक का मेंटेनेंस वगैरह सब उसी में निकालना पड़ता है, और इसमें अर्निंग का कोई फिक्स नहीं है। आप लोग कमेंट करते हो कि भाई कितना अर्निंग होता है, तो सबसे पहले तो आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हो और आपका सिटी बड़ा कितना है और आपके सिटी में कितना ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके सिटी में ज़्यादा डिमांड होगा तभी बैक टू बैक आपके पास राइड आएगी। आज मेरे को बुकिंग के लिए 5 मिनट भी नहीं वेट करना पड़ रहा था, साथ के साथ जहाँ भी मैं राइड कंप्लीट करता था तो वहीं से मुझे दूसरा राइड मिल जाता था, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी जब मैंने ऑन ड्यूटी किया था तो तुरंत 1 मिनट के बाद मुझे
राइड मिल गया था, तो आज मुझे राइड के लिए 5 मिनट भी नहीं वेट करना पड़ा। ठीक है, तो आज का दिन तो मतलब बहुत अच्छा गया और मन भी लग रहा था काम करने में, क्योंकि कंटिन्यू बुकिंग आ रही थी। और कभी कभी यार मतलब ऑर्डर नहीं मिलता ना, तो एक जगह खड़े खड़े बोरिंग सा फील होता है। मैं तो चंडीगढ़ में काम करता हूँ और चंडीगढ़ की जो भी अर्निंग होता है मैं आपको सभी वीडियो में बताता ही हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता चलता ही होगा कि चंडीगढ़ में कितना अर्निंग हो रहा है। और आपके सिटी में ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा बड़ा सिटी होगा तभी आपके सिटी में ज़्यादा अर्निंग होगा। अगर आपके सिटी में कम अर्निंग हो रहा है तो आप रैपिडो के साथ ऊबर भी ज्वाइन कर लो, तो आपके पास दो एप्लीकेशन होगा, तो आपको मतलब दोनों में किसी न किसी में राइड आते रहेगा, तो आपका टाइम पास भी हो जाएगा और कंटिन्यू आपको बुकिंग मिलता रहेगा ताकि आपकी अर्निंग अच्छी हो जाए। और आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो आज का वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।